गुजरात का है। मैं 11 वर्ष की हूँ। आई लिव इन इट स्कूल। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी डुक्की डुक्की है। सुबह जल्दी उठ के ब्रश करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर मैं स्कूल की ड्रेस पहनती हूँ। मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट बनाकर देते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल में स्टडी करती हूँ। रिसेस टाइम पर हम दोस्त मिलकर डांस करते हैं, खेलते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं घर आती हूँ और कुछ देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद ये गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी डुक्की है जो बैजनाथ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में आता है। मैं अनिल शर्मा इस विद्यालय का मुख्य अध्यापक होने के नाते जो हमारे पास सिक्स क्लास में राधिका बच्ची पढ़ती है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये बच्ची जो है ये पढ़ाई के साथ साथ हर एक एक्टिविटी में बहुत ही होनहार है। ये जो भी हमारे स्कूल में कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्ची जो है ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएगी और आगे जो बाकी बच्चे हैं उनका ये साथ में ये मार्गदर्शन भी करती है और आगे भी करती रहेगी। और सभी शिक्षक जो भी हैं इसके बारे में इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और सभी शिक्षकों को ऐसे बच्चों पर और राधिका के ऊपर बहुत ही गर्व है। ये हमारी बच्ची जो राधिका है वो एक कंपटीशन हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है किसमें कितना है दम, तो उसके ये चार राउंड जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो मुझे लगता है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि ये जो है वो पहले नंबर पर आएगी और इसको मेरी तरफ से, मेरे स्कूल के अध्यापकों की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और जब ये जीत कर आएगी तो हम इसको यहाँ पर
सम्मानित भी करेंगे और इसका जो है मनोबल भी बढ़ाएंगे। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपने देने हैं। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ। राधिका, आप कहाँ से आते हो और आपके हाथ में क्या है? अच्छा, तो यही इन्हीं उत्तरों से मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। बैठ जाओ। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम और गुण का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं हम। संज्ञा के, मेरे को संज्ञा के बारे में कुछ बताओ, उदाहरण। जैसे किसी का नाम निविका, जगह सुगूर हो गया, और हाथ में क्या है? पेन। ठीक है। और किसी का, किसी की जैसे अच्छाई, मतलब कोई अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, स्थान का नाम आदि का बोध कराता है, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और 6th क्लास की एग्जाम। हमारे स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकरी डुकी, छोटा सा गांव है टिकरी। तो यहाँ की एक बच्ची है 6th क्लास की, राधिका। वो किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट कर रही है, और इस शो के अभी चार राउंड हो चुके हैं और अभी वो नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करेगी। तो उस राधिका के बारे में मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट है। जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, और ख़ासकर उसका डांस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से। इस विद्यालय में अभी वो इसी सेशन में आई है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। डांस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है उसका, और बहुत, हालांकि उसको कोई गाइडेंस भी नहीं है घर में इतनी ज़्यादा, वो खुद अपने बलबूते पर काफ़ी मेहनत कर रही है। तो काफ़ी, और साथ में पढ़ाई में भी वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा करती है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं तो सभी में उसकी पार्टिसिपेशन रहती है। तो इस बच्ची के लिए, मैं किनाले के लिए उसको शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी सभी स्टाफ की उसको शुभकामनाएं हैं कि वो अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे। थैंक यू। मैं थैंक्स करती हूँ मेरे मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर चीज़ पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता कुमारी है, मैं स्कूल की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का नाम राधिका है, जो बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड है। वो हर किसी काम में, खेलने में हो, कूदने में हो, या तो फिर किसी डांस में हो, ये कोई भी एक्टिविटी हो, वो ठीक ढंग से करती है। उसने बोला कि मम्मी मुझे डांस में जाना है। स्कूल में KKSD की टीम आई हुई थी, उन्होंने उसका फॉर्म भरा और उन्होंने उसे वहाँ पे बुलाया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन पे गई, उसने ऑडिशन क्लियर कर दिया, जो हुआ था राजपुर में। दूसरा राउंड भी हुआ उसका राजपुर में, तीसरे राउंड हुआ उसका पालनपुर में, चौथा राउंड हुआ उसका रैत में। उस राउंड को क्लियर करके अभी फाइनलिस्ट बनी हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ KKSD टीम का, जिन्होंने मेरी बेटी को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो अपना टैलेंट दिखा सके, दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखा सके और कुछ बन सके। उसका सपना है कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने और अपने सपने को साकार करे। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। हर साल
बढ़िया मार्क्स लेके पास होती है। सभी टीचर से भी कोई शिकायत नहीं आती कि बच्चा ये काम नहीं करता है, कि कोई इसने गलत किया हुआ है। इसको पढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना काम खुद करती है, मेरे साथ हेल्प भी करती है और सबकी घर में लाडली है, सबकी प्यारी है। वो सबसे मिलजुल कर रहती है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए और सभी का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद KKHD। जब मैं घर में फ्री होती हूँ, या मैं खेलती हूँ, या मैं फोन चलाती हूँ, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जब मैं अपने घर में फ्री होती हूँ तो मैं अपने भाई बहन के साथ लूडो गेम खेलती हूँ। जी सर, मेरा नाम संजय कुमार है। मेरा गांव का नाम सगूर है, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील बैजनाथ सगूर। और मेरी लड़की का नाम राधिका है, वो फाइनल में पहुंच गई है। मैं दुआ करता हूं भगवान से कि वो आगे भी, भगवान से दुआ करता हूं वो आगे भी तरक्की करे, जीत के आए। और जब मेरे मम्मा मेरे को कोई किचन में काम बोलते हैं तो मैं तभी भी डांस करती हूँ। मेरा नाम रीना है, मैं राधिका की ताई जी हूँ। वैसे तो ज्यादातर ये मुझे ताई जी कम ही बुलाती है, मजाक मजाक में नाम से बुलाती है। और इसका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है हमारे साथ। जब भी आती है तब भी बोलती है, ताई जी आप गाना लगा दो, मैं नाचूंगी। बस नाचने के बारे में और कुछ भी नहीं है। पढ़ने में भी अच्छी है, हमारे साथ मतलब व्यवहार इसका अच्छा है। नेचर जो है वो इसका बच्चों से बढ़ के है। कभी भी मतलब ऐसा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करती है, कोई भी ऐसा जवाब नहीं देती है। मम्मी पापा के साथ भी अच्छी रहती है, कोई ये नहीं है कि हाँ किसी को उल्टा जवाब दे दिया या कुछ कह दिया, नहीं, सब कुछ अच्छा है। बहन के साथ भी मतलब अच्छा है, ये भी है, काम में भी हाथ बिटाती है। जैसे मैं भी कह दूँ कभी मना नहीं करेगी ये काम के लिए कि हाँ ताई जी मैं नहीं करूँगी, ये वो है, सब कोई बहाना नहीं है इसका। और हर बात पे इसके मुंह पे मुस्कान ही देखोगे आप, कभी भी ऐसे गुस्से में तो कभी देखोगे ही नहीं। और हम ये है कि खाने के जब भूख लगी हो तो कभी ये नहीं बोलेगी कि मम्मा के पास ही खाऊंगी, नहीं, जिसके पास मिल गया उसके पास खा के अपना पेट भर ले, बस यही है ज्यादातर। और सबके साथ मतलब व्यवहार जो अच्छा है, टीचरों के साथ किसी के कोई शिकायत नहीं है इसकी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये मतलब फाइनल जीत के आए, हमारा पूरे फैमिली का, पूरे गाँव का नाम रोशन करे और आगे जाकर फिर और ज्यादा तरक्की करे। और मैं टेट से भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा नाम पायल है और मैं सुगूर में रहती हूँ। और राधिका मेरी बहन है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और डांस में भी, उससे बचपन से ही डांस में बहुत अच्छी रुचि थी, वो डांस अच्छा करती है और हमेशा कक्षा में फर्स्ट आती है। और काम घर का काम भी करती है, मेरे साथ भी करती है। और हम जब घर में फ्री होते हैं तो मम्मा के साथ काम करते हैं, लूडो खेलते हैं आदि, और गेमें भी खेलते हैं, एंड थोड़ा बहुत डांस भी करती है राधिका। उसमें मैं दुआ करती हूँ कि वह फाइनल राउंड में भी जीत जाए हमारे गांव सुगूर का और हमारे
परिवार का नाम रोशन करें। A tale of two worlds, a mother was and her two young ones lived in a forest. The mother was caught in a storm and the young ones were separated from each other. Each found a different home. Their ones live in the world and their two new ones in a forest. They had a nest in a tree. Sunday dear and dear the mother bird took charge of the little ones day and night. One day there was a big storm. There was thunder and rain and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds live also come down. A big heavily baby leaves the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them come down near a gate. There a gate of robber lit the birds. Need it outside a rishi ashram little distance away. Annoyed to hear a smaller voice again, he came to now the birds. True storm, we met the rishi who expected the of tide has horse to a tree, announced welcome to the ashram. See, please go outside and the boy, please make yourself comfortable. The king looked. नमस्कार, मेरा नाम रुचिका अवस्थी है और मैं राधिका की नेबर हूँ और राधिका इज वेरी टैलेंटेड एंड डेडिकेटिंग गर्ल. And I always seen her practicing on her terrace. And मुझे पता है ये चार राउंड KKHD के क्लियर कर चुकी है और I wish her for finale. And she will also become a source of pride for our family, our village and her parents. And wish her all the best and thank you so much. अच्छे नंबर लेकर पास होती हूँ. मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, फिर डांस प्रैक्टिस करती हूँ. फिर मम्मा के साथ किचन में हेल्प करती हूँ और फिर सो जाती हूँ. KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए. उन्होंने हमको बताया KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है. इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट TV पर दिखा सकता है. मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं TV पर आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकूँ. फिर मैंने KKHD में डांस का फॉर्म फिल किया. फर्स्ट और सेकंड राउंड मेरा राजपूत हुआ, थर्ड राउंड मेरा पालमपुर हुआ, फोर्थ राउंड मेरा रात हुआ. अब मैं फाइनल में पहुंच गई. मैं भगवान से दुआ करती हूं मैं फाइनल जीत के आऊं, अपने स्कूल का, गांव का और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करूं. थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. थैंक यू KKHD.